हेलो हाय नमस्कार, ये है एपिसोड 7 सटायर के साथ। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। इस हफ्ते दो लोग एक दूसरे से बिछड़ गए, कंगना ट्विटर से और आईपीएल हमारे टीवी सेट से। स्कूल प्रशासन अपने स्कूल के सबसे नलायक बच्चे को कई बार इग्नोर करने के बाद फाइनली बोल ही देता है, अमन निकाल जाओ हमारे स्कूल से। कुछ ऐसा ही ट्विटर ने कंगना के अकाउंट को परमानेंटली सस्पेंड करके कर दिया। अब ट्विटर के नियम के अनुसार कंगना दीदी बेचारी दोबारा अकाउंट बना भी नहीं सकती, और ये भी बोल दिया कू पर जा करके अपने बकवास की थू थू करो। मगर ट्विटर महोदय, आपको स्टैंड अप कॉमेडी और कंटेंट क्रिएटर का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। पहले ट्रंप चाचा ने साथ छोड़ा, अब कंगना दीदी ने साथ छोड़ा, तो अब क्या ये केवल जेल का साथ निभाए? क्योंकि हमारे देश में कभी भी कोई भी ऑफेंड हो जाता है और ये बेचारे जेल पहुंच जाते हैं, तो थोड़ी इनके रोजगार का भी ध्यान रखना था। वहीं जो लोग ये कह रहे थे कि आईपीएल हर रात ध्यान भटकाने का एक तरीका है, क्यों मिल गई खुशी, आ गई 32वीं बार, मिल गई कलेजे को ठंडक, अब बताओ कहाँ दिल लगाए हम अपना। अगली खबर आ रही है फरुखाबाद से। यहाँ पर एक कोविड पेशेंट क्रिटिकली इल हो गए, उनको इमरजेंसी में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, तो परिजन उसको लेके पहुंचे एक हॉस्पिटल। वहां की नर्स बोली झल्लाकर, अब मोदी से ले लो जाके। ओ मैडम, मोदी जी को खुद इस वक्त ऑक्सीजन की जरूरत है, बंगाल निकल गया उनके हाथ से, सांस नहीं ले पा रहे, सोचने हमने गलती कहाँ की। मैडम आपको बोलना चाहिए था सोनू सू से ले लो जाके, वो होती समझदारी की बात। और वैसे भी हमारे देश के लोग जब पीयर केयर फंड का डाटा नहीं निकलवा पा रहे हैं तो ऑक्सीजन का खाक निकलवा पाएंगे। हमें और आपको ये समझना चाहिए ऑन द सीरियस नोट कि एक इंसान एक वक्त पे जब एक ही जैसा काम लगातार 24 घंटे सातों दिन कर रहा है, तो हमें ना उससे झगड़ा करना चाहिए और ना ही उसकी बातों को दिल पे लगाना चाहिए, क्योंकि मेडिकल पर्सन्स हमारे काम के लिए ही लगे हुए हैं, वो हमारे लिए ही काम कर रहे हैं। बल्कि आपको जहाँ सवाल पूछने चाहिए थे जिस वक्त, वो आपने पूछे नहीं, पूछ लिए होते तो आज ऐसे हालात नहीं होते। अगली खबर आपके मेंटल स्टेट को हिला के रख देगी। ये खबर है बिहार के गया की। यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं बल्कि चौमिन टिक्की हो रखी है। अगर आप क्रिटिकली इल हैं, आपको ऑक्सीजन चाहिए है, तो पहले आप कूपन लीजिए, फिर आपको ऑक्सीजन मिलेगा। अगर हम जो स्कीम है उसकी बात करें तो नजारत के ओएसडी को इसकी जिम्मेदारी दी गई। आप वहाँ जाएं, अपने मेडिकल के पेपर्स दिखाएं, इसके बाद वो इनको रिव्यू करेंगे, तब आपको कूपन मिलेगा। ये हुई एक पार्ट। दूसरा पार्ट ये है कि वो कूपन लेकर आप जाएं कंडी के ऑक्सीजन फैक्ट्री के बाहर, लाइन लगवाएं, और फिर अगर आपकी किस्मत हुई और उनके पास ऑक्सीजन हुआ तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो सीधे आप शमशान घाट पहुंच जाइए, क्योंकि इतनी ज़्यादा माथा पच्ची करने के बाद आपको लगता है वो क्रिटिकली पेशेंट बचा हो, बच गया हो तो बहुत अच्छी बात है। ये तो था स्कीम का हवाई जहाज। अब आपको असलियत से रूबरू कराते हैं। एक बूढ़ी महिला ने रात में अपने पड़ोसी फयाज को फोन मिलाया, कहा भैया हमको ऑक्सीजन दिलवा दो। वो भाई साहब दौड़े, मिला नहीं, तो वो उठा के पेशेंट को ले गए एक हॉस्पिटल, वहाँ बेड नहीं मिला। दूसरी जगह लेके गए तो डॉक्टर नहीं मिला, तो वापस पेशेंट को बेचारे घर पे लाके वापस पटक दिया। इसके बाद कंट्रोल रूम में फोन मिलाया तो कंट्रोल रूम से जवाब आया, हमको तो ऐसी स्कीम के बारे में कुछ पता ही नहीं। मतलब स्कीम का हवाई जहाज तो बन गया बट आपने रनवे बनाया ही नहीं। फयाज ने इतना भी कहा कि अगर हमें रात में ऑक्सीजन लेनी है तो कहाँ मिलेगी, किससे बात करें, कूपन कौन देगा, क्योंकि कूपन जो है उसका रजिस्ट्रेशन से दोपहर 2 बजे तक होता है, उसके 2 घंटे बाद यानी कि 4 बजे तक कूपन मिलता है। यानी कि 4 बजे तक के बाद आप लाइन लगाइए, फिर कहीं जाकर आपको ऑक्सीजन मिलेगा। और इतनी इससे पूरे प्रक्रिया के दौरान आप सिर्फ यही दुआ मनाइए कि उस बेचारे की जो थोड़ी बहुत सांसें बची हुई हैं वो ख़त्म ना हो जाए, ऑक्सीजन मिल जाए। अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जो कि हम कहते हैं गजब का प्रदेश। यहाँ पर एक शादी हो रही थी, तो दुल्हन ने कहा भाई मैं दुल्हन तो हूँ, थोड़ी देर के लिए टीचर भी बन जाती हूँ। तो जयमाला के समय लोग जो वो शक्ति प्रदर्शन करते हैं ना कि किसने किसको ऊँचा उठाया, तो उसने कहा मैं अलग ही शक्ति प्रदर्शन करूँगी। और उसने दूल्हे से पूछा, बेटा तुमको डो का पहाड़ा आता है? दूल्हा बोला, मैडम हमको डो का पहाड़ा नहीं आता। इसके बाद क्या, शादी टूट गई।
आपकी लड़की की सोच देखिए, दूरदर्शिता देखिए, उसने कहा मुझे पति के साथ अपने बच्चे के लिए मैथ ट्यूशन टीचर भी मिल जाएगा, बस इसीलिए उसने सवाल पूछ दिया। मैं मैडम आप थोड़ी जिम्मेदार कम रह गई, आपको दो की जगह एक का पहाड़ा पूछना चाहिए था, क्या पता वो ये भी ना बता पाता। खैर अगली खबर की तरफ चलते हैं, ये उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के रिजल्ट से जुड़ी हुई खबर है जो कि इलाहाबाद से आ रही है। यहाँ पर दो प्रत्याशियों के वोट जो है बराबर आ गए। अब ये मत समझिए कि हजारों लाखों आ गए, 170 और 170 हैं बस। तो अधिकारियों ने कहा कि रिजल्ट तो निकालना है, टॉस उछाल के कर लेते हैं। भैया जब टॉस ही उछालना था तो लोगों को धूप में कोई लाइन में खड़ा कराया, बेचारे कुछ लोग काले हो गए, अब इनकी शादी नहीं हो पाएगी तो कौन जिम्मेदारी लेगा। आपके पास सुपर ओवर नहीं था, बॉल आउट नहीं था, पेनल्टी शूट आउट नहीं था, अरे कोई मैच ही करा लेते। और इससे बढ़िया बताएं आपको आइडिया, इन दोनों से कहते अपना कार्यकाल पूरा करो, जो अच्छा काम करेगा उसको अगले साल निर्विरोध निर्वाचित कर दिया जाए। मगर अब स्मार्ट लोग स्मार्ट बातें। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश की है और यह है सुप्रीम लीडर के कॉन्स्टिट्यूंसी वाराणसी। अब बड़े लोग बड़ी बातें, तो खबर भी बड़ी होगी ना। अब देखिए हमारे देश के अंदर कुछ भी बड़ी चीज़ का उद्घाटन हो, अब चाहे वो ग्राउंड हो, चाहे मेट्रो स्टेशन हो, चाहे वो सड़क हो, जब तक नेताजी के नाम की ईंट ना लग जाए और नेताजी खुद आके फीता ना काट दें, तब तक जनता को सुविधाओं की माला नहीं मिल सकती। ऐसा ही वाराणसी में हो गया। एक जायसवाल नाम के मंत्री हैं, उनको वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत करनी थी, अब वो थोड़ा बिजी हो गए। अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं, बालक को समझना चाहिए था। अब एक व्यक्ति जो है बालक भिड़ गया, उनसे कहा सुनी हो गए, तो नेताजी बोले इधर सुनो तुमको हम बताते हैं, दौड़ा ली। अरे 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 माना कि मोदी जी ने मैराथन स्कीम शुरू कर रखी है, चाहे नोटबंदी की हो, चाहे किसानों की हो, चाहे ऑक्सीजन की हो, तो क्या वैक्सीन की भी आप मैराथन चालू करवा दो। अब भैया वो हाफ गया, उसकी ऑक्सीजन कम हो गई, तो वैसे ही ऑक्सीजन नहीं मिल रही, मर जाएगा, खाम खा आपके ऊपर जो है केस आ जाए, समझा करिए। इसके बाद कहीं जाकर गार्ड ने और कुछ लोगों ने जो है नेताजी को रोका, भैया आपने तो रोक लिया है, बट मुझे डर इस बात का है कि आपकी सांसें ना रुक जाए ये कांड करने के बाद। खैर अगली खबर की तरफ चलते हैं और ये है भविष्य की खबर। एक टाइम ट्रेवलर ने कहा है कि मैं 2582 से आया, तो क्या करें, नाचें। इन भाई साहब ने कहा है कि 6 जून 2026 को 3 दिन के लिए पूरी दुनिया अंधेरे में हो जाएगी। मेरे भाई साहब दुनिया अभी अंधेरे में है कोरोना की वजह से, तुम्हें उजाला करना चाहिए था, तुम्हें ये बताना चाहिए था कि कोरोना कब खत्म होगा, और तुम ये उल जलूल वाली बातें कर रहे हो। इसने और बकवास की है, इसने बोला है कि उस दिन रोशनी पिरामिड से आएगी, आप ना आसमान की तरफ देखें ना बाहर देखें, सिर्फ घर में ही रहें और मोमबत्ती का ही की ही रोशनी का इस्तेमाल करें। इस पर एक भाई साहब बड़ा समझदार था, उसने चुटकी ले ली, कहते देखिए मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, मेरे पास मोमबत्ती भी नहीं है, क्या मैं मोबाइल या टीवी का इस्तेमाल कर सकता हूँ। बेटा बहुत सही तंज मारा है तुमने। इन्होंने इसके एवज में कोई सबूत भी नहीं दिया, सिर्फ ऐसी बात बोलती है। देखते हैं 6 जून 2026, अभी तो कोरोना चला जाए उसके बाद इसकी बात करेंगे। अगली खबर हमें ये बताती है कि चाइना की दादागिरी धरती पर नहीं अंतरिक्ष पर भी चलती है। चाइना का एक रॉकेट जो कि 100 फीट लंबा है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है कि कर दिया गया है, नासा के वैज्ञानिकों ने कहा है कि 4 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि इसके जो मलबे हैं टुकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं, और ये जिन शहरों पर गिर सकते हैं वो है न्यूयॉर्क, मैड्रिड, बेंजिंग, चिली और न्यूजीलैंड। अब दूसरों के लिए खड्डा खोदोगे तो खुद तो गिरोगे ना साथ में। ये जो रॉकेट था ये 2022 में चाइना का जो है वो स्पेस स्टेशन बनने वाला था अंतरिक्ष में, और फिर ये धरती का चक्कर लगाता और सूचनाएं इकट्ठे करता। भाई सूचनाएं इकट्ठे करता कि जासूसी इकट्ठी करता, इस हिसाब से तो ये ठीक ही हुआ। बट अब ये दुआ मनाइए कि ये किसी जनसंख्या वाली जगह पर ना गिरे, क्योंकि कह रहे हैं ये कहीं भी गिर सकता है, जनसंख्या वाली जगह पर भी और खाली जगह पर भी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि चाइना खुद खामोश बैठा है, कुछ बोल नहीं रहा, बोलेगा भी कैसे बोलेगा, जब वो कोरोना पे नहीं बोला तो इस रॉकेट पर कैसे वो बोल जाएगा। अगली खबर हमें ये बताती है कि कुछ लोग भेड़ चाल में किसी भी चीज़ के पीछे भाग जाते हैं और उन्हें रिजल्ट का कोई मतलब नहीं होता है। अब आपको दिल्ली के वो दंपति याद है, हाँ, जिन्होंने वो मास्क के चक्कर में बहुत कुछ बोल दिया था। तो यूपी में एक टीचर ने मास्क नहीं लगाया था
अब पुलिस से बोलते हैं, आई एम एम एस सी PhD, बेटा तुम तो UPSC के पास भी नहीं, फिर भी काहे करो 11,000 का चलान करवा लिया। और वहीं बिहार में तो पुलिस वाले अलग ही खेल खेल रहे हैं। मैं एक लड़की स्कूटी में थी, मास्क पहना हुआ था बट हेलमेट नहीं पहना था, तो उसका चलान काटने लग गए, वीडियो बनाने लग गए, और वो लड़की भी जो सामने से बहुत कुछ बोलने लग गए, ये वीडियो भी वायरल हो गया। मतलब इंसान की गर्मी और बाहर की गर्मी दोनों मिलकर ना विस्फोट कर रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए। अगली खबर हमें ये बताती है कि जो लोग कहते हैं कि हम बहुत बड़े शेर हैं और हमको कोरोना नहीं हो सकता, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हैदराबाद के 8 एशियाई शेरों को कोविड हो गया है। अब जब असली शेर को हो गया तो आप कौन से बड़े वाले शेर नहीं, मुझे पता है वक्त के दो सवाल होंगे, पहला कि इंसान तो शेर के पास जा नहीं सकते, और दूसरा इनका टेस्ट किया कैसे गया। नहीं, मुझे आपकी बुद्धि के लेवल का पता था, मुझे पता था आप ये सवाल करेंगे। खैर, अगली खबर की तरफ चलते हैं, और ये खबर हमको ये बताती है कि कानपुर में जो हालात हैं वो एक्चुअल में है नहीं, वो सिर्फ दिखाए जा रहे हैं। 5 मई की बात करें तो 67 मौतें हुई, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने वेबसाइट पर सिर्फ 11 ही चढ़ाए, बाकी 56 का कोई डाटा नहीं, जबकि उनका कहना है कि ये मौतें 24 घंटे पहले की, मतलब कितने 24 घंटे पहले की हैं, किस तारीख की हैं, ये नहीं बताया है। वहीं 3 मई को भी 57 मौतें हुई थी, जिसमें से 51 मौतों का कोई डाटा ही अवेलेबल नहीं। 5 मई को जो मौतें हुई हैं 67, वो टोटल 17 हॉस्पिटल्स में हुई, जिसमें से 13 मौतें GBT हॉस्पिटल में हुई हैं। मतलब क्या चल रहा है, आप सत्य छुपा के दिखाना क्या चाहते हो? मैंने आर्टिकल लिख दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के जो है पढ़ सकते हैं। अगली खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है, ये खबर है क्रिकेट से जुड़ी हुई। बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसके सेकेंड टेस्ट मैच के दौरान तंजुल इस्लाम बड़े ही अजीबोगरीब ढंग से आउट हो गए। एक्चुअल में वो जब बैटिंग कर रहे थे तो सुरंगा लकमल की एक गेंद पर उनका जूता खुल के स्टंप पर जा लगा और वो हेड विकेट आउट हो गए। भाई साहब, मम्मी से बंधवाना सीख लेते या ड्रेसिंग रूम में किसी से बंधवा लेते, ये तो कहो स्टंप पे लगा, किसी खिलाड़ी के मुंह पे लग जाता तो जेल पहुंच जाते। सुरंगा लकमल श्रीलंकन टीम के दूसरे ऐसे बॉलर बन गए हैं जिन्होंने किसी को हिट विकेट आउट किया है। इससे पहले ये काम मुथैया मुरलीधरन ने, द लेजेंड मुथैया मुरलीधरन ने 1997 में किया था। Yes, I am satisfied with that. My decision to the giant screen is out. I repeat, out. It is a pity the way his just foot came off the boot and his heels got the wicket, his head out. I understand he's only the second Bangladeshi. अगली खबर हमें ये बताती है कि जो सवाल हमारी गोदी मीडिया को सरकार से पूछने चाहिए, वो सवाल विदेशी मीडिया पूछ रही है। अमेरिका के एक रिपोर्टर जो CNN के रिपोर्टर हैं, उन्होंने बाइडेन के प्रवक्ता से पूछ लिया कि भैया ये जो जहाज पे जहाज जा रहे हैं इंडिया, जो सामग्री जा रही है, जो सामान जा रहा है, इसका क्या हो रहा है, इसकी हम जानकारी ले रहे हैं। ये बात पहले विपक्ष ने उठाई थी देश में, फिर ओवैसी साहब ने भी बोली, और अब तो खुद वो देश बोल रहे हैं जो मदद कर रहे हैं। इस पर सरकार ने बोला है हमारी वितरण प्रणाली मजे में चल रही है। सही बोला, मजे में चल रही, जो हालात वो देख के ये चल रहा है कि मजे में चल रही। पहली बार आपने सच बोला है, मुझे बड़ा दिल से सुकून मिला कि आपने सच बोला कि मजे में चल रही। अगर ये सवाल हमारे देश का कोई भी गोदी मीडिया पत्रकार पूछ ले तो या तो उसको सेडिशन के चार्ज में अंदर भेज दिया जाएगा, और या फिर ये बोल दिया जाएगा। चलिए, अगली खबर हमें ये बताती है कि हमारे देश में ऑक्सीजन आ रही है, कमी नहीं हो रही है, बट ऑक्सीजन को निकालने के लिए बुद्धि की जरूरत हो रही है, बस उसी की कमी पड़ रही है। लखनऊ में 73 टन जो है ऑक्सीजन का एक आया जत्था, अब अधिकारी इसको निकाल ही नहीं पाए। ADMs से लेकर के कमिश्नर तक सब फोन मिला रहे हैं, कोई इंजीनियर को फोन मिला रहा है, कोई लोकल मैकेनिक को फोन मिला रहा है। एक टीम को कानपुर पनकी तक दौड़ाया गया, वो खाली हाथ लौट आई। एक अधिकारी ने अपने घर से BP की गोली मंगाई। एक्चुअल में हाल ये हुआ कि जो
ऑक्सीजन आ रही है ये कैप्सूल में और ट्रेलर में आ रही है। अब इसको निकालने के लिए स्पेशल औजार मिलता है जो कि है। अब राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकारों ने एक साल में कुछ किया नहीं तो आप उम्मीद कर ही नहीं सकते कि इनके पास ये होगा। तो जो लोग मदद भेज रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको पूरी थाली परोस के दें। ये सिर्फ खा सकते हैं, ये ना थाली सजा सकते हैं ना थाली का सामान बना सकते हैं। तो इनको ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन जो उपकरण है वो भी दिया जाए, ये केवल थाली खा सकते हैं। आप समझिए, आप बुद्धिमान लोग, आप समझदार लोग हैं, आपको ये समझना चाहिए। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर हमें ये बताती है कि कोई भी सरकार हो, चाहे वो राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, या तो वो आपका मजाक बनाएगी या अपना मजाक बनवाएगी। दिल्ली सरकार ने एक कोविड के लिए ऐप लॉन्च किया हुआ है जहां पर ऑक्सीजन पता लगती है किस हॉस्पिटल के पास कितनी है। तो यहां पर किसी ने सर्च किया होगा तो 10:23 पर यह बताया गया कि नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में 1000 दिन यानी कि 999 दिन 23 घंटे की ऑक्सीजन है। वहीं 2:45 पर अधिकारियों ने बोला कि हमारे पास सिर्फ 952 घन मीटर ऑक्सीजन ही बचा है जो कि सिर्फ आज आधी रात तक के लिए है। मतलब आप 999 दिन समझते हैं, मतलब क्या पूरा इंडिया एक ही जगह पे आ जाए? क्यों केओस बनाना चाहते हैं आप? शो का अंत करते हैं एक पॉजिटिव खबर के साथ, और ये पॉजिटिव खबर आ रही है साहिबाबाद के पास यानी कि दिल्ली एनसीआर के पास से। यहाँ पर एक किसान बड़ा दुखी हो गया जब उसने देखा कि शमशान घाट में लंबी लंबी लाइन लग रही है। तो उसने कहा आप मेरा खेत लीजिए और इसको शमशान घाट में बदल दीजिए। उसने अपने 1500 गज की जो जमीन है वो जो है वो दान कर दी है। इस पर जो है 10 प्लेटफॉर्म बना करके काम शुरू भी कर दिया गया है। कोविड पेशेंट का अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाएगा। सलाम है ऐसे किसानों को, और एक सरकार है जो किसानों की नहीं सुनती और किसान खुद ब खुद सरकारों की मदद कर रहे हैं। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा, और ख़ास कर शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और लोग जो हैं नॉलेज पा सकें, एंटरटेन हो सकें। मेरा काम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल है उसको भी प्रेस करें। मैं मिलूँगा फिर आपसे अगले संडे, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए। बाय बाय।